उज्जैन के रामघाट पर भक्तों को कई सुविधाएं मिली, नहाने के लिए निःशुल्क गर्भ पानी भी मिल सके इसके लिए पुजारी और पुलिस कर्मियों ने व्यवस्था की। नदी के रामघाट पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। अलग अलग शहर और राज्यों से पूजा करने और स्नान करने के लिए भक्त आते हैं। इस समय ठंड जबरदस्त पड़ रही है और इसका असर दिखाई भी दे रहा है। ऐसे में अगर किसी भक्त या श्रद्धालुओं को ठंड लगती है और ठंडे पानी में नहाने के दौरान कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वह घाट पर से निःशुल्क गर्म पानी ला सकता है और नहा सकता है। यह व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और पुजारियों ने निःशुल्क की है। घाट के ऊपर ही पानी गर्म होता रहता है। इस गर्म पानी की व्यवस्था से बाहर से आने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं को ठंड से राहत मिलेगी। ठंडे पानी में नहाने के दौरान बेचैनी या घबराहट होती है। भक्तों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है। इसके लिए भक्तों ने धन्यवाद भी किया है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मैम, ये जो रामघाट पर है, पुलिस प्रशासनिक अधिक कुछ पुलिसकर्मी हैं जो ड्यूटी पर तैनात हैं, वो और पंडित पुजारी के द्वारा पिछले कई वर्षों से पानी उपलब्ध करवाया जाता है। अभी हमने आपके संज्ञान में लाया, तो कैसी ये व्यवस्था लगी और क्या कहना चाहेंगी? निःशुल्क व्यवस्था है गर्म पानी, और विशेषकर मौसम जो खराब है बहुत ही अच्छा है। और सुबह दर्शनार्थियों मतलब स्नान करने वालों को तो सुबह सुबह जो भी बुजुर्ग या जो भी व्यक्ति आते हैं बीमार हो उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा है। मैडम, पुलिसकर्मियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसे पुलिसकर्मी जो ड्यूटी कर जिम्मेदारी भी करते हैं और साथ में इस प्रकार से काम भी करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? निश्चित तौर पर ही ये बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि मानवता का काम है, ये मानव धर्म का भी निर्वाह करते हैं और अपनी ड्यूटी के साथ साथ बहुत अच्छी है। गुरु जी, बताइए ये जो गर्म पानी की व्यवस्था है कितने वर्षों से यहाँ पर की जा रही है और किन किन का सहयोग रहता है और किस प्रकार से यह व्यवस्था संचालित होती है? यहाँ पर 15 वर्षों से गर्म पानी की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। पंडित पुजारी और पुलिस डिपार्टमेंट और हमारे नगर निगम की ओर से यहाँ पर निःशुल्क गर्म पानी की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में कई गरीब गुरबे और बुजुर्ग लोग यहाँ पर ठंड में पानी, नदी का पानी ठंडा रहता है, इस कारण यहाँ से गर्म पानी निःशुल्क लेने में और स्नान करें। क्या नाम आपका? पंडित लोटा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।